वेलकम बैक टू अवर चैनल अपने स्कूल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मशमलाती दरसी किताब हिस्सा दो जमात चहरों सबक नंबर 9 फूलों का तोहफा। इस सबक के सवाल व जवाब, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए सबसे पहले देखते हैं इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज के मानी। बिलोटे के मानी होते हैं बिल्ली के बच्चे। जोश ठंडा पड़ना यानी काम में दिलचस्पी खत्म होना। आबियारी करना यानी पौधों को पानी देना। मशगला के मानी होते हैं शौक से किया जाने वाला काम। कुरेदना यानी बार बार पूछना। माजरा के मानी होते हैं वाकया, और खुशगवार के मानी है अच्छा लगने वाला। आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं मश्क। मश्क सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, अमजद ने अम्मी से किस चीज की मांग की। इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे, अमजद ने अम्मी से ढेर सारे खिलौनों की मांग की। सवाल नंबर 2, अम्मी खाला के घर से क्या लेकर आई। इसका जवाब है, अम्मी खाला के घर से एक गमला ले आई। सवाल नंबर 3, अमजद का जोश क्यों ठंडा पड़ गया। इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, अमजद को खिलौने चाहिए थे, उसे गमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए गमला देखकर इसका जोश ठंडा पड़ गया। सवाल नंबर 4, अमजद के गमले में फूल खिलेंगे तो क्या होगा। इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, अमजद के गमले में फूल खिलेंगे तो सारा घर खुशबू से महक उठेगा। सवाल नंबर 5, हम में से हर किसी को पौधा क्यों उगाना चाहिए। इसका जवाब है, माहौल को खुशगवार बनाने के लिए हम में से हर किसी को पौधा उगाना चाहिए। अब सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, अमजद के दोस्तों के पास कौन कौन सी चीजें थी। इसका जवाब है, अमजद के दोस्तों में से गुल्लू के पास चाबी वाली कार थी, शानी के पास बिलोटे थे, काशी के पास एक छोटा सा खरगोश था। सवाल नंबर 2, अम्मी ने अमजद को किस बात की ताकीद की। इसका जवाब है, अम्मी ने अमजद को ताकीद की कि मैं शाम तक लौट आऊंगी, अगर मुझे देर हो तो खाना खा लेना, स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत चले जाना। सवाल नंबर 3, एक रोज स्कूल में मास्टर साहब ने क्या ऐलान किया। इसका जवाब है, एक रोज स्कूल में मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल किताबों की बजाय ऐसी चीजें लेकर स्कूल में आए जो वो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं, चाहे वो खिलौने हो, डाक टिकट हो, अपनी बनाई हुई तस्वीरें हो या परिंदों के पर हो। सवाल नंबर 4, मास्टर साहब को गुलदस्ता पेश करते वक्त अमजद ने क्या कहा। इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, मास्टर साहब को गुलदस्ता पेश करते वक्त अमजद ने कहा कि जनाब ये देखिए, इसे मैंने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। अब सवाल है, नीचे दिए हुए बयानात में से सही बयान चुनकर खाली जगह पूर कीजिए। नीचे 3 बयानात दिए गए हैं, जो बयान सही है उसे खाली जगह में लिखकर खाली जगह को पूर करना है। तो चलिए जुमला नंबर 1 पढ़ते हैं, अमजद को बहुत सारे खिलौने चाहिए थे ताकि, और आगे है खाली जगह। अलिफ बयान है, वो इनके साथ खेल सके। बे बयान है, वो उन्हें स्कूल ले जा सके। और जीम बयान है, उन्हें दिखाकर दोस्तों पर रौब जमा सके। इसका सही जवाब है, वो उनके साथ खेल सके। तो यहाँ पर खाली जगह में आपको लिखना होगा, अलिफ बयान, वो उनके साथ खेल सके। अब देखते हैं जुमला नंबर 2। जुमला नंबर 2 है, एक रोज जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़कर घर आया तो उसे घर महकता महसूस हुआ, और आगे खाली जगह दी गई है। अलिफ बयान है, वो आसपास खुशबू ढूंढने लगा। बे बयान है, वो हैरत से नाक चढ़ा चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। और जीम बयान है, वो दौड़कर गमले के पास गया। सही जवाब है, वो हैरत से नाक चढ़ा चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा, इसलिए खाली जगह में लिखेंगे बे वाला बयान, वो हैरत से नाक चढ़ा चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। जुमला नंबर 3, अमजद की आंखों से, और आगे है खाली जगह। अलिफ बयान है, नफरत झलक रही थी। बे बयान है,
प्यार झलक रहा था और जीम बयान है हैरत का इजहार हो रहा था। इसका सही जवाब है प्यार झलक रहा था। खाली जगह में लिखेंगे बे वाला बयान, प्यार झलक रहा था। अब सवाल है ज़ेल के जुमले किसने कहे। जुमला नंबर एक है मुझे खूब सारे खिलौने चाहिए। इसका जवाब है ये जुमला अमजद ने कहा। जुमला नंबर दो है देखो ये गमला खाला जान ने तुम्हारे लिए दिया है। इसका जवाब है ये जुमला अम्मी ने कहा। जुमला नंबर तीन है क्या बात है अमजद किसी से लड़कर आ रहे हो। इसका जवाब है ये जुमला अम्मी ने कहा। जुमला नंबर चार है हर किसी को कम से कम एक पौधा उगाना चाहिए। इसका जवाब है ये जुमला मास्टर साहब ने कहा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आखिर में सरगर्मी। सरगर्मी प्यारे बच्चों यहाँ पर दो सरगर्मियाँ दी गई है जिन्हें आपको करना है। पहली सरगर्मी है तमाम बच्चे मिलकर अपने स्कूल में मुख्तलिफ फूलों के चंद गमले लगाएं। आपको अपने स्कूल में तमाम बच्चों ने मिलकर अलग अलग फूलों के चंद गमले लगाना है। और दूसरी सरगर्मी है बिल्ली के बच्चे को बिलोटा कहते हैं। इसी तरह दूसरे जानवरों के बच्चों के नाम मालूम कीजिए। प्यारे बच्चों जिस तरह से बिल्ली के बच्चे को बिलोटा कहते हैं उसी तरह मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। इसी तरह से दूसरे जानवरों के बच्चों के नाम आपको मालूम करके अपनी कॉपी में लिखना है। तो अच्छा प्यारे बच्चों फूलों का तोहफा इस सबक के तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।